बुद्धं शरणं। सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड फिर से स्वागत है आपका एक न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड अभी हम आए हुए हैं कोलकाता के एक फॉरेस्ट पार्क में, जो कि आप हमारा बैकग्राउंड देख सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए हम पार्क के अंदर चलते हैं और ये वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड। फ्रेंड जैसे ही इस पार्क के आप सामने आएंगे तो दो बाघों को जो है दो दो आकार दिया गया है। और आप चलिए फिर हम इस मंदिर के अंदर चलते हैं। ये मुख्य रूप से जापानीज पार्क भी कहा जाता है फ्रेंड। तो चलिए हम इस पार्क के अंदर चलेंगे। आप देख सकते हैं ये जो भी आप देख रहे हैं ये भगवान बुद्ध से रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता होगा कि जापान में जो है बौद्ध धर्म के मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो ये सब जो भी चित्र आप देख रहे हैं ये बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है, क्योंकि फ्रेंड इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ बौद्ध धर्म का शुरुआत हुआ और यहाँ पर कोई खास असर नहीं दिखा पाया वर्तमान समय की बात कर ले तो। लेकिन यहाँ से ये धर्म निकल करके पूरी दुनिया में अपना जो है एक अलग पहचान बना ली है फ्रेंड। तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये जो पार्क है ये बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है। आप ये देख सकते हैं जो भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सब बौद्ध धर्म का ही है। आप देख सकते हैं फ्रंट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों तरफ आपको चार चार आकृति दिखाए गए हैं, जो कि आप एक अलग ही इसका महत्व रहा होगा। और हम चलते हैं इस मंदिर के अंदर। तो चलिए हम मंदिर के अंदर चलते हैं और देखते हैं फ्रेंड कि इसके अंदर क्या है। तो फ्रेंड ये रहा आपका कुछ बौद्ध धर्म से रिलेटेड यहाँ पर स्ट्रक्चर है। और ये देख सकते हैं मैं जो है मंदिर के प्रांगण में आ चुका हूँ। और ये आए आप जब भी कोई मठ या बौद्ध धर्म से रिलेटेड जगह पर जाएंगे तो ये देखने के लिए आसानी से आपको मिल जाएगा। और चलिए पहले मंदिर के निकट चलते हैं फ्रेंड। अभी हम आपको ले चलेंगे मंदिर की प्रांगण में। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड आप जो आप मेरे फ्रंट साइड में देख रहे हैं यही मुख्य मंदिर है इस परिसर का। तो आप देख सकते हैं अभी पूरी तरह से ये बनकर भी तैयार नहीं हुआ है फ्रेंड। और इसके दोनों तरफ धम्म चक्र दिखाए गए हैं। और चलिए हम इसके चारों तरफ पहले घूमते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं मंदिर का। तो ये इसके चारों तरफ जो है इसे प्रदक्षिणा करने के लिए बनाया गया है। तो चलिए हम पहले कर लेते हैं, घूम लेते हैं चारों तरफ। तो फ्रेंड यहां से हम लोग निकलते हैं और ये देख सकते हैं ये पार्क की ओर हमें आपको ले चल रहे हैं, जो कि यहां फिर भी काफ़ी अच्छी जो है जापानीज संस्कृति को यहाँ काफ़ी बारीकी तरह से दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये मंदिर मुख्य रूप से यही मंदिर है और मंदिर अभी पूरी तरह से बन करके तैयार भी नहीं हुआ है फ्रेंड। तो ये आप देख सकते हैं ये पिंक कलर का बना हुआ है। क्या इसका रोल है बौद्ध धर्म में मैं ये नहीं जानता, बट इसके अंदर जा कर के काफ़ी अच्छा लगता है। और ऐसा माना जाता है कि ये प्रेम की निशानी होती है, प्रेम का रंग होता है ये पिंक कलर, तो आपको पता होगा। बट यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ, देखिए कितना काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आप सेल्फी वेल्फी लेने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं। तो चलिए हमें तो सेल्फी लेना नहीं है, तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और फ्रेंड हम मुख्य रूप से अब पार्क के अंदर आ चुके हैं और यहाँ भी उसी तरह से भगवान बौद्ध बुद्ध भगवान को यहाँ पर दिखाया गया है। काफ़ी यहाँ पर लगभग 9 मूर्तियाँ उकेरी गई है जो कि संगमरमर से है। और ये मुख्य रूप से ये पार्क का जो तालाब है इसमें कुछ पक्षियाँ आपको चहचहाते मिल जाएंगी। और ये बांस की कुछ आकृतियाँ यहाँ पर दिखाई गई फ्रेंड। मैं ये नहीं जानता कि इसका क्या महत्व है बौद्ध धर्म में। और यहाँ पर भी बांस की आकृतियों को ही बनाया गया है। इसमें आप घूम सकते हैं और हाथों को फेर सकते हैं तो एक अलग तरह की आवाज़ आती है। और अगर जो आप जापानीज फूड का आप टेस्ट लेना चाहते हैं तो यह पर जो आप रेस्टोरेंट देख रहे थे ये जापानी फूड के लिए था फ्रेंड। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक लिए अगर जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।